हरे कृष्णा। आज मैं ट्रेडिशनल गुलगुले बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है और एक कटोरी आटा नॉर्मल जिसके हम रोटी बनाते हैं, और एक कप पानी, थोड़ी सी सूखा गरी किसक काट लिया है, वो दो चार बादाम, पांच सात बादाम काट लिए हैं, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सौंफ को कूट लिया है, दो मोटी इलायची और थोड़े से छुआरे। तो चलिए हम बनाते हैं गुलगुले। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे, एक कप पानी डाल दिया। और इसमें हम गुड़ डाल देंगे, इसको अच्छे से गुड़ भुनने तक इसको गरम करेंगे। ये गुड़ हमारा अच्छे से पानी में मिल गया है, तो अब हम इसमें जो दो बड़ी इलायची का पाउडर था वो डाल दूंगी और गैस बंद कर देंगे। सौंफ मिला देंगे, छुआरे डाल देंगे, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको आटे में मिक्स करेंगे। अब हमारा ये पानी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आटा डाल देंगे, और जो गरी मैंने काटी हुई थी वो डाल देंगे, बादाम डाल देंगे और एक पिंच नमक डाल देंगे। कोई भी मीठी चीज़ में हल्का सा एक पिंच नमक डल जाए तो वो बैलेंस का काम करता है। और एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको गुड़ वाला पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। खोलकर ये हमारा पेस्ट तैयार है, हमारा पेस्ट बन गया है अच्छे से। तो अब हम इसमें इसके गुलगुले बनाएंगे। इसको पानी का हाथ लगा लेंगे थोड़ा सा, और फिर कढ़ाई हमने गरम कर ली है और इसके अब हम गोल गोल पानी का हाथ लगाते जाएंगे और गोल गोल बनाते जाएंगे। बहुत ही अच्छे बने हैं गुलगुले। पलट देंगे,
और लीजिए हमारे गुलगुले बनकर तैयार हैं और ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। इतने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाए। हरे कृष्णा।